बात करिए तो आपको बताते चले कि आज आप देखने वाले हैं कि जहां हानिया का दिल टूट जाएगा तो वहीं यहां पर सरबजीत जो है वो शादी के लिए हाथ तो कर ही चुका है, तो वहीं अब एक बड़ी शर्त मेहर रख देगी। यहां पर शर्त मेहर की ये होगी कि शादी से पहले वो सरबजीत को जानना चाहती है, दोनों एक दूसरे को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ताकि उन्हें ये पता लग सके कि दोनों आगे साथ रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और इसके लिए सरबजीत को 1 महीने मेहर के घर रहना होगा। ये बात सुनकर सरबजीत को गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर सरबजीत के फादर को भी, और सरबजीत कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। यहाँ पर आपको बता दें कि मेहर को मेहर के घर वाले डांटते हैं, आसमा भी कहती है कि तू क्या बोल रही है, वो क्यों यहाँ रहेगा। यहाँ पर कहती है मेहर कि अगर शादी करनी है तो ये शर्त माननी पड़ेगी। यहाँ हानिया जो है अपना फोन छोड़कर निकल गई है, वो बाहर गई हुई है, बेसुध है, रोड पर बस बेसुध चली जा रही है। यहाँ पर अब जो है हानिया का एक्सीडेंट होने वाला है, हानिया का एक्सीडेंट होगा और हानिया की दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगी। यहाँ पर अलग दूसरी ओर तमाशा हो रहा है कि सरबजीत को सरबजीत की माँ कह रही है सिर्फ 1 महीने की तो बात है, 1 महीने तो इसके साथ रह ले, उसके बाद शादी हो जाएगी, दिक्कत क्या है, हम लोग डेली तुमसे मिलने आया करेंगे। सरबजीत को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो वहीं मेहर भी जिद पर अड़ी हुई है कि 1 महीने सरबजीत को यही रहना होगा। वेल तब तक ये बात अभी हो ही रही थी तब तक फोन आ जाता है कि हानिया का एक्सीडेंट हो गया है। सभी लोग दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर अब आपको बताते चले कि डॉक्टर ये कहती है कि हानिया जो है वो ठीक है, बस थोड़ी सी इलाज की जरूरत है। यहां पर अब जो है आपको बताते चले कि यहां हानिया सबसे पहले सरबजीत से मिलना चाहती है, यहां पर हानिया जो है सबसे पहले सरबजीत से मिलना चाहती है। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि यहां पर जो मेहर है ये सोचती है कि आखिर वो अपनी बहन से क्यों नहीं मिल रही है, वो सरबजीत से क्यों मिल रही है। वो सरबजीत अंदर जाता है तो सीधे हानिया का यही सवाल रहता है कि उस दिन जब आप मुझसे मिले थे रेस्टोरेंट में तो आपने कहा था कि सब कुछ सेट है, सब कुछ फिट है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे थे। तब यहाँ पर सरबजीत बताता है कि मैं लियो के बारे में बात कर रहा था, उसकी जॉब के बारे में बात कर रहा था आपसे। अब यहाँ पर हानिया को ये बात समझ में आ गया कि सरबजीत उससे प्यार कभी करता ही नहीं था। अब यहाँ पर दूर खड़ी मेहर ये सोच रही है कि आखिर उसकी बहन की आंखों में आंसू क्यों है, मेहर तो रोती नहीं है और सरबजीत ने ऐसा क्या बोल दिया, आखिर क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब मेहर को इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि हानिया सरबजीत से प्यार करती है।